एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है, मैं लेके आता हूँ आपकी नई अपडेट, न्यू जॉब के बारे में, न्यू ऐप्स के बारे में, यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी जो आपको अपडेट करे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे ऐप की जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ऑनलाइन फॉर्म, देखो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल है, सिलेबस, आंसर की, तो ये सारे इस ऐप में आपको मिलने वाली है। और सबसे पहले नोटिफिकेशन इस ऐप में आता है, कहीं पे भी जॉब हो या कोई भी न्यू अपडेट होगी। तो चलते हैं हम, तो सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर में हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट ऐप, या सरकारी रिजल्ट डाल दें तभी वो आ जाएगा इस तरीके का, सही है। और आपको क्या करना है, और ये जो ऑप्शन आ रहा है सरकारी एग्जाम ऐप, तो हम इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल मुश्किल से 20 एमबी करीब होगा, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा अपना मतलब इंट्रोड्यूस करेगा आपको कि हाँ सरकारी जॉब लें, और इनकी भी साइट है सरकारी exam.com। तो फिलहाल ये ओपन हो गया है। ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहली बार है, कुछ नहीं लगेगा वैसे तो आप देख सकते हैं न्यू जॉब, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म, रिजल्ट सारा इस पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो देखिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ, नई नई जो आई है वैकेंसी मैंने व्यू ऑल कर दिया। व्यू ऑल करने के बाद जो अभी जो ऑनलाइन चल रही हैं वैकेंसी, उनके बारे में ये डिटेल देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा प्रोसेसिंग होता है, खुल जाएगा, वो स्पीड है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कौन कौन से फॉरम ऑनलाइन चल रहे हैं, और बता देगा कब अपडेट हुआ है और कब अपडेट नहीं हुआ। तो जब भी आएंगे उसकी भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम IPS क्लर्क के फॉरम की बात कर लेते हैं कि कैसे डिटेल ये बताता है। ये ऐड आता है, बैक करके दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर IPS क्लर्क पे क्लिक कर दिया। तो इसमें आप देख सकते पूरी डिटेल बता देगा, आपकी एग्ज़ाम डेट कब है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब है, कितनी फीस है, कितना मतलब पे करना है, ठीक है, कब एग्ज़ाम होगा, प्री मेंस, सारा कुछ इसमें दिया हुआ होगा। मतलब एक नज़र से हम देख सकते हैं क्या क्या, एज लिमिट है, ठीक है जी, एड आ रहा है, उसके बाद वैकेंसी किस में कितनी है, और ये देख सकते हैं आप क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारा कुछ इसमें है। तो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आराम से देख सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। रजिस्ट्रेशन मोबाइल से भी भर सकते हैं, बस ये है कि उसमें जो इंटरफेस होता है वो बड़ा छोटा होता है, तो उसमें टाइप करने में या ऊपर नीचे करने में टाइम लगता है। तो कैसे भरा जाएगा देख सकते। तो देखिए पहली बात तो वो खुलता नहीं ऑनलाइन वाला, तो आपको हमेशा अपना पेपर वो जो मोबाइल है लैंडस्केप मोड में लगाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फॉर्म इस तरीके से खुल जाएगा भरने के लिए, सही है। तो किस तरीके से भरा जाएगा वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, सही है। तो जैसे मैं इस पर अपना नाम डालूं, कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने में हमें टाइम लगेगा। लेकिन कोई ऑप्शन ना हो तो इससे भी आप भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। तो इसको आप भर सकते हैं, किस तरीके से भरा जाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप लॉगिन करके भरेंगे, जैसे पहले से रजिस्टर्ड है, लॉगिन आईडी डाल के इस तरीके से आप भर सकते हैं। और एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सही है। तो ये तो हो गया आपका ऑनलाइन फॉर्म का। अब हम जाते हैं वापस, ठीक है, तो वो पूरा डिटेल देगा आपको, ज़्यादा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, सही है। तो हम वापस जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, अब एडमिट कार्ड के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो एडमिट कार्ड भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो अभी चल रहे होंगे वो यहाँ आपको अपडेट कर देंगे, सही है। और इधर जाएंगे, ये रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट आएगा आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका जॉब के बारे में जो आया है, ये एडमिशन है, ऑफलाइन फॉरम है जो ऑफलाइन मतलब भर के जो प्रिंट करके जो हम सबमिट कर दें, ये सिलेबस है। अगर आपको किसी का सिलेबस चाहिए, जैसे हमने इसी फॉरम का सिलेबस चाहिए IPS का,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये साइड से आपको दे देगा कि इसमें कितना मैथ आ रहा है, कितना रीजनिंग आ रहा है, पूरा डिटेल इसमें। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये खुला हुआ है, सिलेबस भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये है डिप्लोमा चाहिए, आंसर की किसी की देखना है, जैसे आप एग्ज़ाम दे के जाते हैं तो आंसर की वो अपलोड कर देते हैं, तो मैंने राजस्थान से रिलेटेड एक ओपन किया है, तो इसमें आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखें, कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा। जो आप लास्ट में देखें तो देखो इस पहले पेपर की आंसर की दी हुई है, ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो ये जो ऐप है वो बहुत काम का लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये एक बार आप अपडेट आपको करता रहेगा, आप किसी की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी, तो एक बार फिर थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, ठीक है, नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।